ब्यूटीफुल है ना, लेकिन ना इसमें भी प्रॉब्लम है, इसके जिप में और हुक। एक मिनट घूमिएगा, मैं ठीक कर देता हूं। मिस्टर खान प्लीज। थैंक यू। आप ये सब कैसे जानते हैं मिस्टर खान? क्या कैसे जानते हैं? मेरे इस ड्रेस का हुक टूटा हुआ था, मिस्टर खान ने ऐसे लगाया जैसे बचपन से यही कुछ करते आ रहे हैं। हाँ तो बचपन से ये यही करता आ रहा है। मतलब? जब ये बहुत छोटा था ना, 8-10 साल का, तो पैसे कमाने के लिए मैं लोगों के कपड़े सिला करती थी। तब ये मेरे पास आके बैठता था और देखते ही देखते पता नहीं कब सारा काम सीख गया। भाईजान मैं बोल रही हूँ, इतनी लेट फोन कर रही हूँ, अगर आप कहें तो मैं कर... बहन अपने भाई को कभी भी फोन कर सकती है। बोलो क्या बात है? आज आपसे बात करने का बहुत मन कर रहा था। क्या बात है? इनफैक्ट मैं अभी आयान से बात... नहीं भाईजान, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज, मैंने आपसे कहा ना, आपसे बात करने का मन कर रहा था। वो कल ईद है ना, तो मैं सोच रही थी कि भाई बहन होकर भी तुम साथ में मिलकर कोई खुशियां क्यों नहीं मना पाते। तुम कल जश्न ईद में आ रही हो, इस बार मैं ईद अपनी बहनों के साथ मनाऊंगा। भाईजान, ईद का ऑर्गेनाइजेशन आपने किया है? हाँ। तो फिर मैं सोच रही थी कि जब मेरे निकाह की बात हो ना, मुझे थोड़ा शर्मा जाना चाहिए। मैंने देखा है जब भी निकाह की बात करो लड़कियां शर्मा जाती है। नहीं, तुम थोड़ी सी पागल हो। नहीं भाईजान, ऑलरेडी मेरा नाम टमाटर रखा है, ऊपर से मैं अगर लाल रंग पहनने लगी ना फिर तो। नजमा तुम कहाँ खोई हुई हो? हे नाइस कलर, तुम पे ये टोमेटो रेड कलर बहुत सूट करेगा। नहीं पुप्पी देखिए, ब्यूटीफुल। रणवीर आप जाइए यहाँ से। अब मैंने आपसे कोई मोहब्बत नहीं करी, वो सिर्फ एक गलती थी। मैं तो जानता भी नहीं आप कौन हैं। मेरी मोहब्बत मुझे छोड़ के चली गई, मैं नशे में था और तुमने उसी का फायदा उठाया ताकि तुम उम्र भर मुझे यूं बदनाम कर सको। कितने समझदार हैं आप। और जब आप समझ ही गए हैं तो चुपचाप हमें पैसे दे दीजिए, हमें पैसे की जरूरत है। जरूरत नहीं है, ये लालच है। और अब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाला। तुम्हें जाके लोगों को बताना ये मेरा बच्चा है। बताओ, मेरी बदनामी करनी है करो, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गेट लॉस्ट। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को यू हलाल करने की भूल भी तो नहीं कर सकते। हमें पैसों की जरूरत है, ये पैसे आएंगे कहां से? आज ईद का जश्न, पर वहां दौलत कमाने का कोई ना कोई मौका तो हम ढूंढ ही लेंगे। हमारी मांग भी विक्रम के नाम का सिंदूर है, लेकिन जब वो हमें हाथ लगाते हैं हमें बहुत बुरा लगता है। फिर भी हमें पराए क्यों लगते हैं? और आप नहीं लगते हैं। हमारी पहली ईद है, आने वाली बहुत सारी ईदों में से जो हम साथ में मनाएंगे। तब भी जब मैं थोड़ा बूढ़ा हो जाऊंगा और आप थोड़ी सी मोटी। आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाएं, चोर कभी नहीं होंगे। अगर आप थोड़ी मोटी भी हो जाएंगी तब भी इतनी खूबसूरत लगेंगी। ओके, दिस इज बारबेक्यू शेयरर्स। आज आप शेर सुनिए। चांद रात वही है मेरी, जिस रात तुम नजर आओ। उसी दिन ईद है मेरी, जिस दिन तुम नजर आओ। वाह 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 वाह। चलिए, ईद के जश्न में बहुत सारे इंतजाम बाकी हैं।